परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY, आइए इसे समझते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना भारत की नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये योजना ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए बनी है और इसका मकसद क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनिक विलेज अप्रोच है और पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम सर्टिफिकेशन के माध्यम से ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाना है। जानते हैं कैसे काम करती है PKVY। क्लस्टर का फॉर्मेशन, इस योजना के तहत क्लस्टर बनाए जाते हैं जिसमें 50 या उससे ज्यादा किसान शामिल होते हैं। इस क्लस्टर की लगभग 50 एकड़ जमीन होती है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में इन्वॉल्व होती है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, PKVY में पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम यानी कि PGS का इस्तेमाल किया जाता है जिससे किसान अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक सर्टिफाई करवा सकते हैं बिना किसी बड़ी एजेंसी के इन्वॉल्वमेंट के। अब इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। केमिकल फ्री प्रोडक्ट, PKVY के माध्यम से जो भी फसल उपजाई जाती है उसमें पेस्टिसाइड रेसिड्यू नहीं होता, यानी कि वे बिल्कुल केमिकल फ्री होती है। बेहतर हेल्थ, ऐसे प्रोडक्ट का उपयोग से कंज्यूमर हेल्थ में सुधार होता है क्योंकि ये नेचुरल तरीके से उगी फसलें हैं जो केमिकल फ्री होते हैं। PKVY के माध्यम से ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक नए स्तर पर लाया जा रहा है और ये भारत के किसानों को एक बेहतर और सस्टेनेबल खेती की दिशा में ले जाने की कोशिश है।